हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई, हैप्पी न्यू ईयर 2020। और ये साल आप सभी की लाइफ में कुछ नया और कुछ अच्छा लेके आए। और जो लोग भी सिंगल हैं उनकी जीएफ या फिर बीएफ बन जाएं। हाँ, थोड़ी सी राइम बन गई बट ठीक है, ये दुआ है मेरी आपके लिए। और आप भी दुआ करो हमारे लिए कि भाई हमारा चैनल थोड़ा और बुलंदियों पर पहुँचे और मज़ा आए। ये भी राइम बन गई। यहाँ पे आज के अपने स्टूडियो में आपसे बात करूँगा कि भाई साल 2019 में मैंने कौन कौन से डिवाइसेस को काफ़ी टाइम के लिए यूज़ किया या फिर यूज़ किया जो कि मुझे किसी न किसी पॉइंट पे काफ़ी पसंद आए। और हो सकता है कहीं ना कहीं वो मुझे कम अच्छे भी लगे हों, कुछ इश्यूज भी रहे हों इन डिवाइसेस में, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिवाइसेस मुझे पसंद आए होंगे और उन्हें मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई अवार्ड वीडियो नहीं है और ना ही इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ बताऊँगा कि ये डिवाइस बेस्ट था या फिर ये डिवाइस वर्स्ट था। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि साल 2019 में मैंने कौन कौन से डिवाइसेस को यूज़ किया और उनमें से कौन कौन से डिवाइसेस थे जिन्होंने मेरे दिल को छुआ। अब यहाँ पे इस लिस्ट में जितने भी डिवाइसेस हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे वो डिवाइसेस मुझे अच्छे लगे, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ साल 2019 में मैंने कितने डिवाइसेस यूज़ किए, तो भाई वो बहुत सारे हो जाएंगे। अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा तो एक घंटे डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी आई थिंक, तो इसलिए मैंने कुछ चुनिंदा डिवाइसेस को ही इसमें इंक्लूड किया है। अब साल 2019 में काफ़ी इनोवेटिव डिवाइसेस आए, काफ़ी नए डिवाइसेस आए, काफ़ी मस्त डिवाइसेस आए। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी भी इनोवेट हुई इस साल स्मार्टफोन्स में, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइसेस मैंने यूज़ किए हैं मैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साल 2019 जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे मैं पोको F1 डिवाइस को यूज़ कर था एज ए प्राइमरी डिवाइस। अब पोको F1 के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, फोन मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने Asus ZenFone Max Pro M2 डिवाइस लॉन्च हुआ था तो मैंने उसे परचेस किया था और उसे भी यूज़ किया था एज ए प्राइमरी डिवाइस के लिए कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ पे वो डिवाइस भी काफ़ी बढ़िया था, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिलता था वहाँ पे। डिज़ाइन बिल्ड मेरे को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी उस डिवाइस की। कैमराज काफ़ी डिसेंट थे, काफ़ी बढ़िया थे और गूगल कैमरा भी उसमें चल जाता था कैमरा ट्यू पे इनेबल करके, तो फ़ोन अच्छा था। लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आ गए जिसको कि Asus ने फिक्स नहीं किया और वही रीज़न था कि वो डिवाइस मेरे को थोड़ा सा कम अच्छा लगा। स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता था उसमें लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेकार होता गया अपडेट्स आने के साथ। तो उसके बाद आई थिंक फरवरी में लॉन्च हुआ था Redmi Note 7 सीरीज़ इंडिया में। तो Redmi Note 7 Pro डिवाइस को मैंने परचेस किया था। अब वो ऐसा टाइम था जब 48 मेगापिक्सल वॉर एकदम शुरू होने वाला था, तो 48 मेगापिक्सल बजट डिवाइस में उस टाइम पे Redmi Note 7 Pro ऑफर कर रहा था। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत कमाल की थी Redmi Note 7 Pro डिवाइस की और बैटरी भी 4000 mAh की थी। तो ओवरऑल Redmi Note 7 Pro डिवाइस को मैंने काफ़ी लंबे टाइम के लिए यूज़ किया, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ उसमें भी अपडेट्स आने के बाद बहुत सारे इशूज़, बहुत सारे बग्स आए। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, टेक्स्टा शाहरुख भाई ने भी बनाई हुई है और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने उसके बारे में वीडियो बनाई हुई थी कि भाई Redmi Note 7 Pro में बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारे बग्स हैं जिनको कि कंपनी ने सही टाइम पर फिक्स नहीं किया। हालांकि बहुत सारे बग्स आज के टाइम पे फिक्स हो चुके हैं लेकिन उस टाइम पे वो फिक्स नहीं हो रहे थे। बट Redmi Note 7 Pro डिवाइस उस टाइम पे एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस था। अब उसमें कैमरा में भी एक स्टटर वाला इशू था, कैमरा लैग बहुत ज़्यादा करता था, वीडियोस के दौरान बहुत ज़्यादा लैग करता था, हीट बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे उस प्राइस कैटेगरी में वो एक बेस्ट डिवाइस था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो ऑफर कर रहा था जो कि उस कैटेगरी में कोई भी डिवाइस आपको ऑफर नहीं कर रहा था, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल डिवाइस भी हुआ। और अगर आप अभी भी Redmi Note 7 Pro डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से इश्यूज़ हैं जो कि अभी भी फिक्स नहीं हुए हैं, क्योंकि फिलहाल मैं Redmi Note 7 Pro डिवाइस को नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और उसी टाइम पे Realme 3 Pro डिवाइस भी लॉन्च किया गया था। अब Realme की तरफ से आने वाला ये भी काफी कमाल का डिवाइस था उस टाइम पे, इसमें काफी बढ़िया काफी डिसेंट कैमरे मिल जाते थे और ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया मिल जाती थी। Qualcomm Snapdragon 710 चिपसेट दिया था इन्होंने और परफॉर्मेंस कैमरा बढ़िया मिल जाता था। लेकिन इस डिवाइस की एक प्रॉब्लम थी कि मुझे इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी कभी भी पसंद नहीं आई मुझे। मतलब प्लास्टिक यूज़ किया गया था, प्लास्टिक वाले और भी डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, पोको F1 भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को थोड़ा डब्बे जैसी लगी, तो उतनी अच्छी क्वालिटी मेरे को लगी नहीं थी। तो मेन रीज़न इसका यही था कि भाई इसमें बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी थी मुझे, लेकिन डिवाइस अच्छा था, मतलब परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता था इसमें। और सबसे अच्छी बात कि इसमें गूगल कैमरा बहुत बढ़िया चलता था, गूगल कैमरा इसमें मैंने यूज़ किया था और Realme 3 Pro डिवाइस में बहुत कमाल तरीके से काम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा शार्प इमेज वो कैप्चर करता था। तो Redmi Note 7 Pro को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद मैंने फिर स्विच किया था, फिर से पोको F1 पे आ गया था, पोको F1 कुछ टाइम के लिए यूज़ किया था। उसके बाद Xiaomi लेके आया इंडिया में Redmi K20 सीरीज़,
तो आपको पता ही होगा कि K20 सीरीज में काफ़ी कमाल के डिवाइसेस आए हैं, मतलब दो ही डिवाइस आए हैं फिलहाल इंडिया में अभी तक, K20 K20 Pro। तो मैंने K20 Pro परचेस किया था, 6GB 128GB वाला वेरिएंट ब्लैक कलर में, तो मैंने उसे यूज़ किया। फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता था, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 HDR डिस्प्ले थी, पबजी एकदम मस्त चलती थी, और पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला डिवाइस था, और कैमराज भी ओवरऑल काफ़ी डिसेंट थे। हालांकि इसे हम फ्लैगशिप डिवाइसेस से कंपेयर नहीं कर सकते थे कभी भी, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट थे और फीचर भी काफ़ी बढ़िया मिल जाते थे ओवरऑल इस डिवाइस में। तो Redmi K20 Pro डिवाइस जब मैंने यूज़ किया तो हाँ, मुझे बहुत सही लगा। सबसे अच्छी बात जो उसमें लगी, फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता था और पॉपअप सेल्फी कैमरा एक आपको बजट में मिल जाता था। हालांकि इसके डिसएडवांटेज हैं, बहुत सारे हैं, शायद आपको पता होंगे, लेकिन अभी तक तकरीबन 6 महीने से इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई इशू इसमें फेस नहीं किया पॉपअप सेल्फी कैमरा से रिलेटेड। K20 Pro डिवाइस पर्सनली मेरे को काफ़ी सही लगा था। उसके बाद एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे मार के वो फ़ोन छीन लिया था, तो मैं फिर से पोको F1 पे आ गया था, और खुशी खुशी मैं फिर से पोको F1 यूज़ करने लगा, क्योंकि वही पोको F1 है, मतलब पोको F1 है। अब जिसके पास पोको F1 है और इस वीडियो को देख रहा है बट लाइक नहीं कर रहा है, प्लीज़ लाइक कर दो ब्रो। और उसी टाइम जब मैं K20 Pro डिवाइस यूज़ कर रहा था तो Xiaomi ने अपना Mi A3 लॉन्च किया। Mi A2 के बाद Mi A3 लॉन्च किया था। Mi A2 तो काफ़ी फ्लॉप डिवाइस था, मुझे पर्सनली बहुत बेकार लगा था, लेकिन Mi A3 लॉन्च किया था, उसमें भी एक फ्लॉ था कि वहाँ पे HD प्लस स्क्रीन मिलती थी। लेकिन सही बताऊँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ आपको, तो Mi A3 मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मतलब डिस्प्ले जो 720p थी उसको मैं अगर साइड में रख देता हूँ, हालांकि उससे भी ज़्यादा शिकायत नहीं थी, क्योंकि डिस्प्ले साइज़ काफ़ी छोटा था और यही इसका एक प्लस पॉइंट था। डिस्प्ले साइज़ छोटा था और ओवरऑल डिवाइस का जो साइज़ था वो छोटा था, तो बहुत ज़्यादा हैंडी फ़ोन था और बिल्ड इसकी बहुत कमाल की लगी थी, कैमरा क्वालिटी बहुत लाजवाब थी। तो ओवरऑल मेरे को Mi A3 बहुत कमाल का पैकेज लगा था। मुझे याद है कि मैं इस डिवाइस को अपने ऑफिस लेके जाया करता था, तो वहाँ पे मैं इसे उल्टा करके रखता था, बिना गौर के यूज़ करता था, और ये वाइट कलर वाला लिया था, तो यार वहाँ पे सभी लोग इसको देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। काफ़ी लोग ऑफिस से देखने आते थे फ़ोन को कि हाँ भाई कैसा फ़ोन है, क्या है। तो Mi A3 मेरे को काफ़ी सही फ़ोन लगा था, क्योंकि आज के टाइम पे एंड्रॉयड में इतने छोटे इतने हैंडी फ़ोन्स बन ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हैंडी फ़ोन था, स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता था, तो इसलिए डिवाइस काफ़ी अच्छा था। हालांकि 2019 ने मेरा एक और एस्पेक्ट चेंज किया था। पहले मैं स्टॉक एंड्रॉयड को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, Mi A1 Mi A2 यूज़ किया था और भी स्टॉक एंड्रॉयड वाले डिवाइसेस यूज़ कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे अब मैं कस्टम स्किन्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी हो गई हैं पहले से, और इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है टेक्सास शाहरुख भाई के साथ, तो अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि आज के टाइम पे स्टॉक एंड्रॉयड ज़्यादा बेटर है या फिर कस्टम स्किन जैसे कि MIUI 1UI और ColorOS ये सब बेटर है। तो Mi A3 पर्सनली मेरे को काफी सही डिवाइस लगा था, बैटरी सब बढ़िया थी उसकी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसी के बाद मैंने परचेस किया था Samsung का Galaxy M30s। अब ये डिवाइस भी काफी बढ़िया था, यहाँ पे भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया था Samsung वाला, और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत कमाल की है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। लेकिन सही बताऊं, इस प्राइस कैटेगरी में जितने भी सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड वाले डिवाइसेस आए हैं, उनमें सबसे बेस्ट डिस्प्ले Samsung Galaxy M30s डिवाइस की है। बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो डिवाइस मेरे को डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही लगा था, लेकिन इसके कैमराज और इसकी बिल्ड क्वालिटी ने मेरे को डिसअपॉइंट किया था। इसमें बिल्ड क्वालिटी में बहुत बड़ा फ्लॉ था, मतलब क्रैकिंग साउंड आता था, कुछ यूनिट्स में नहीं आता था, कुछ में आता था। मैंने जिससे भी बात करी है सब में ऑलमोस्ट इसमें क्रैकिंग साउंड आता था इसकी बॉडी में, तो मतलब ये डिज़ाइन वाइज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और कैमराज भी काफ़ी ज़्यादा एवरेज हैं इस डिवाइस के, जितना मैंने इसे यूज़ किया मेरे को लगा कि हाँ यार इसकी कैमरा बहुत अच्छे तो नहीं है। तो इस डिवाइस में मेरे को डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी और बैटरी लाइफ बहुत अच्छी लगी थी, इसके अलावा मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था इसमें। और इन दिनों मैं Redmi Note 8 Pro और Realme X2 डिवाइसेस को भी यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि पोको F1 को मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों डिवाइसेस को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर इन दोनों की बात करते हैं तो भाई डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ, इन सब में ये दोनों डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं और अपनी अपनी जगह पे एक बेस्ट डिवाइस हैं। दोनों डिवाइसेस को परचेस करने के लिए जितने पैसे आप पे करेंगे इस टाइम पे, वो वैल्यू फॉर मनी है दोनों ही डिवाइसेस। और इनका मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन भी बनाया हुआ है और एक कैमरा कंपैरिजन भी बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये एकदम से टाई वाला मामला हो जाता है कि किस वाले डिवाइस को हम बेटर कहें, तो दोनों डिवाइसेस अपनी अपनी जगह पे काफ़ी बढ़िया हैं। अब अगर आप चाहें तो कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इन दोनों डिवाइसेस के बीच में चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये दोनों डिवाइसेस काफ़ी लाजवाब लगे हर मामले में। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि साल 2019 में मैंने किन किन डिवाइसेस को सबसे ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किया, तो मेरे ख्याल से पोको F1 नंबर 1 पे होगा, उसके बाद नंबर 2 पे होगा Redmi Note 7 Pro,
और तीसरे नंबर पे होगा Redmi K20 Pro, उसके बाद Realme 3 Pro होगा और Asus ZenFone Max Pro M2 और उसके बाद होगा Xiaomi का Mi A3 और M30s को भी मैंने थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया था और बाकी आज के टाइम पे Note 8 Pro और Realme X2 डिवाइसेस को यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस आज के टाइम फिलहाल यही था कि भाई साल 2019 में मैंने कौन से डिवाइसेस को ज़्यादा यूज़ किया, कौन से डिवाइस मेरे को किस एस्पेक्ट पे अच्छे लगे, कहाँ पे वो मुझे थोड़ा सा बुरे लगे, लेकिन ओवरऑल यही सब था। इन्हीं डिवाइसेस को मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया स्मार्टफोन्स की अगर बात करते हैं तो। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपका डिवाइस इस लिस्ट में था। बाकी अगर आप चाहें तो आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं या फिर साल 2019 में जो डिवाइसेस को आपने सबसे ज्यादा यूज किया आप उन्हें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप किन डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं या साल 2019 में आपने उन्हें यूज किया और आपको काफी पसंद आए। बाकी आज वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।